साल ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। पिछले साल तो किसी तरह से हम लोग बचा लिए, अभी पूरा आधा जंगल जल के खत्म हो गया था, उसके बाद हम लोग बचाए थे, लेकिन अभी जलने का स्थिति में था। अभी भी कोई यह नहीं है, ये जो आग है आप देख रहे हैं, हवा दे गया तो सीधा, अगर अभी हवा आ गया तो हवा आने के बाद क्या हो सकता है बताओ जी, क्या हो सकता है, धमाका हो जाएगा। पिछले बार क्या हुआ था हम लोग के साथ, मरते मरते बचे थे हम लोग, इतना रिक्स लेते हैं, लेकिन हम लोग का कोई खातिरदारी नहीं करते हैं, इसके इनाम भी नहीं मिलता है हम लोग, इनाम भी नहीं मिलता है। अच्छा जी, हम लोग का गांव से नीचे नीचे टोला है, ऊपर टोला है, लेकिन यहाँ पर कितना आदमी है हम लोग, सिर्फ पाँच, सिर्फ पाँच, पाँच आदमी से ही हम लोग जंगल को पूरा बचाव कर रहे हैं, पूरा आग आग से बचाने का पूरा उपाय कर रहे हैं, एक से एक ये क्या बोलते हैं उपाय लगा रहे हैं आग को बुताने के लिए। अब इतना सारा करने के बाद भी देखते हैं हम लोग का गांव, ए जी मुंडी उंडी में मत मार देना, खोपड़ी उड़ा दोगे फिर। चलो हम लोग अपना काम कर लेते हैं, मतलब कि आज जो आग है उसको बुताने का कोशिश करते हैं, और मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद हो सकता है आग ज्यादा बढ़ भी जाएगा, या तो हम लोग बुता के घर जाएंगे, बाय बाय। का कामयाबी सफल होगा या तो फिर नाकाम होगा, अगर नाकाम हुआ तो पूरा गांव जिम्मेदार होगा, गांव नहीं पूरा पंचायत जिम्मेदार होगा, जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का भी जिम्मेदार होगा इसमें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो जरूर आप लोग बुताने के लिए। तो जंगल का जो संपत्ति है किसी एक आदमी का नहीं है, और एक ही गांव का भी नहीं है, जंगल से ही हम लोग का ये जीवन चल रहा है, फिर हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो जंगल है बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है, जितना हम लोग को पैसा से नहीं मिलता है उतना जंगल से मिलता है। तो चलिए मिलते हैं, बहुत ज्यादा हो गया बकवास, मिलते हैं कल के बाद, कल नहीं अभी के। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हम लोग यहाँ पर आग को बुताने के लिए आए हैं, लेकिन अगल बगल हम लोग का बरंगा पंचायत में कितना गांव है जी, अच्छा छोड़ो गोली मारो, बहुत सारा गांव है, लेकिन यहाँ पर गांव से कोई आता नहीं है, लेकिन लकड़ी काटने के लिए साला दुनिया भर का भर जाता है, दुनिया भर का आदमी इतना लेके जाता है कि हम लोग का जंगल देखो अभी लकड़ी देखने को मिलता नहीं, सब झुंड ही बचा नहीं है हमारे जंगल में, सब ले लेके खत्म किए, लेकिन अभी जो जंगल में तो बहुत सारा परेशानी होता है, जब आग लग जाता है तो बुताने के लिए सिर्फ हमारा गांव के लोग ही परेशान होते हैं, और अगल बगल है तो मजाक उड़ा के रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजा आता है। देखिए अब ऐसा आग जलेगा तो जून में कैसे पूछोगे, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा तो आदमी मर जाएगा, नहीं बताएंगे इधर जो पता सब है उसको साइड करेंगे, अभी यहाँ जलने के लिए तो बहुत टाइम लगेगी, वही तो जी ऐसे जून में घुसे रहोगे, हाँ ऐसे घुसा तो रहा ऊपर से हूल काफी जलेगा तो तेरा मुंडी सब में नहीं जला है, नहीं 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 झुंड में घुसना नहीं है, नहीं तो हम लोग का क्या होगा जी, भरता बनेगा, भरता बनेगा, थोड़ी बन जाएगा, अलकतरा बन जाएगा, मैं तो कुआं बन के खा जाएगा, देखो ना काम में मुखिया बोल रहा है जल रहा है तो कितना जल्दी, देखो और दे छोटा सा आदमी से इतना जल गया, एक काम करो उससे जल गया वो तो और बढ़ रहा है, मतलब गुस्सा हो रहा है, मैंने ये जो झुंड है जब तक जल के खत्म नहीं होगा तब तक माने हम लोग का जो है भाई साहब ये लो ही? ये लो फिर से बढ़ गया, ले ये लो। अगर तो बवंडर हो रहा है जी, बवंडर तो हो रहा है जी, देखो फुलझड़ी फुलझड़ी, अगर इधर आ गया तो इधर आता ही आएगा ही, चिंता मत करो, पलटी मार दे नीचे, ये आग है। ये देखिए हम लोग आग बुताने का काम किस प्रकार कर रहे हैं, पत्थरों से मिट्टी से और अन्य प्रकार का उपाय कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं उस तरफ देखिए बहुत एकदम जंगल में आग लग गया है, जिसको बुताने का हम लोग कई प्रयास करते हैं, लेकिन अगल बगल गांव के लोग नहीं आते हैं तो कैसे लगता है आप लोगों, अच्छा
बहुत बुरा लगता है कि केवल हम लोग का संपत्ति जैसे लगता है, गांव का किसी का संपत्ति जैसे नहीं लगता है, जैसे लग रहा है हिस्सा ही नहीं लगता है। देखिए कितना खतरनाक जगह से हम लोग को उतरना पड़ता है, पैर स्लिप हो गया तो जंगल से नीचे हम लोग सीधा डैम में जाके गिर जाएंगे। बैलेंस बिगड़ गया तो हम लोग का बैलेंस खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उतरना है सावधानी से। किधर जाना पड़ेगा अभी, कहाँ से आगे निकला है बोलो जी हम लोग का हरिहर। उधर दिखाओ किधर से जलाया था, नीचे था वो केंदू पेड़ था, जलाया था। केंदू खाने का चक्कर में वहाँ जो पत्ता सब गिरा हुआ था ना उसको जला दिया था, तो उसके वजह से इधर पूरा जंगल में फैल गया आग। देखिए कितना जला जला के बर्बाद कर रहा है। ए सूरज, जो आग लगाया है उसको क्या करना चाहिए? उसका पकड़ के मीटिंग बैठाना चाहिए। मीटिंग बैठा के क्या करना चाहिए? उसका जितना भी नुकसान हुआ उसका पैसा भरना चाहिए। उसको पूरा जंगल में आग लगा दिया है, उसको उसका जिम्मेदारी लेगा। उसका डबल देना पड़ेगा, जो आग लगाया है उसको कितना साल के लिए बैन कर देना चाहिए मुँह चुनने का। देखिए दोस्तों यहाँ जंगल में आग लगा है और हम लोग का सिपाही लोग अभी आग बुताने के लिए आए हुए हैं। और चलिए आगे देखते हैं कौन सा महाशय है जो हम लोग का जंगल में एकदम आग भड़का दिया है। बाद में करो। ऐसा हल्का फुल्का दिख रहा है। अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे जा करके देखेंगे कि किसका पेड़ से जो महुआ का गाछ है कोई साफ कर रहा था, शायद वही लोग आग जलाया होगा। देखिए पूरा जंगल बर्बाद करके रख दिया नालायक